इंतजार कलाकार बेमिसाल, जिसमें हम बात करते हैं किसी बेमिसाल कलाकार की, उस कलाकार की जिसने हमें दिए बेहद ही प्यारे गीत, और साथ ही जिनका फिल्मी सफर जो है वो कुछ ऐसा रहा कि उसमें कुछ बातें हैं बेहद खास, कुछ बातें हैं प्रभावित करने वाली, कुछ बातें हैं इंस्पायर करने वाली, और कुछ बातें हैं खास मनोरंजन से जुड़ी हुई। अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी अजनबी कौन हो तुम, अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें देखा है सारी दुनिया मेरी आंखों में सिमट आई है। अजनबी अजनबी कौन हो तुम, जब से तुम्हें
अजनबी तो बिल्कुल भी नहीं है इनका नाम। जब हम आपको थोड़ा सा हिंट देंगे तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि आज के इस कार्यक्रम में हम किन की बात करने वाले हैं। आज इनका जन्मदिवस है तो आज हमारा कलाकार बेमिसाल इस अभिनेत्री को समर्पित, जो अपने अभिनय से बहुत लंबे समय तक पर्दे पर दर्शकों का प्यार लूटती आईं, उन्हें प्रभावित करती आईं, जो अलग अलग पात्रों के सांचों में ऐसी ढल जाती थीं कि स्क्रीन पर ऐसा लगता था कि ये जो पात्र है यही असली है, यही जीवंत है और इसके पीछे कोई अदाकार नहीं है, कोई एक्टिंग नहीं कर रहा, बल्कि जो हो रहा है वो सच में घट रहा है। इस समय फिल्मों में इन्होंने तरह तरह के रोल निभाए और हर भूमिका से प्रभावित किया। कभी चुलबुली सी नायिका बनी तो कभी दुख दर्द विरह में डूबी हुई एक ऐसी गृहिणी जो घर परिवार को लेकर चलते हुए तमाम झंझावात से जूझती रहती है, कभी किसी एक्टिविस्ट का किरदार इन्होंने निभाया तो कभी उम्र के अलग अलग पड़ावों के अलग अलग रंग इन्होंने दर्शकों को सौंपे। कुछ अंदाजा लगाया आपने? हम बात कर रहे हैं शबाना आजमी की। गुजरते जाएंगे हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे देखेंगे देख लेना देखेंगे देख लेना दिन महीने साल गुजरते जाएंगे हम प्यार में जीते अपनी तस्वीर मेरी निगाहों में क्या हुआ अगर काटे हैं अपनी राहों में इन राहों में फूल बिखरते जाएंगे हम प्यार में जीते प्यार में मरते जाएंगे देखेंगे देख लेना
Think Vidya Mandir. Think IIT. Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT. Think Vidya Mandir. से जुड़े सभी सवालों के लिए आज ही टोल फ्री नंबर 1097 पर कॉल करें। हरियाणा स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी द्वारा जनहित में जारी। आकाशवाणी एफएम गोल्ड पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल, और आज इस कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं शबाना आजमी की, और आपको सुनवा रहे हैं उन्हीं की फिल्मों के कुछ बेहद यादगार की। सच बोला है वो, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो, जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है प्यार, क्या करें बोलो तो, जिए बोलो तो मर जाए, हमको तुमसे हो गया है
कभी बोलूं मैं कभी बोले तू आई लव यू लव यू लव यू लव यू आई लव यू लव यू लव यू मैंने तुम पे तुमने मुझ पे कर दिया जादू आई लव यू लव यू लव यू आई लव यू अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा राज हमने अब खोला है गॉड प्रॉमिस हम सच बोला है वो हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जीने बोलो तो मर जाए की डोर बंधी है चुप चुप संग दोनों तेरे संग जीवन की डोर बंधी है मैं सपनों का सागर तू प्रेम नदी है अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा चांद चकोरी हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें दिल में दिल पर तू रहता है खुदा गवाह हम सच कहता है हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जी बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें सलाम उसमें शामिल तेरा नाम दो लफ्जों में करता हूँ मुक्त सिर के साथ तमाम मैं शायर हूँ मेरा है वास्ता हसीनों से तेरी फुर्कत में मैं सोया नहीं महीनों से नहीं करती ये बातें पर्दा नशीनों से तेरे बाजार छोड़ो छेड़ में जबीनों से हे अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा अब तक छुपाए रखा शोला दबाए रखा हुस्न हमेशा रूठा रहता है खुदा गवाह हम सच कहता है हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जी बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जी बोलो तो मर जाए हमको तुमसे हो गया है प्यार क्या करें बोलो तो जी बोलो तो मर जाए हो गया है प्यार क्या करे बोलो तो जिए बोलो तो मर जाए
तुमसे हो गया है प्यार, क्या कहें। कलाकार बेमिसाल में आज बात हो रही है शबाना आज़मी की। शबाना आज़मी का जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जहां पहले से ही रचनात्मकता और कला के लिए बेहद सम्मान था। पिता कैफी आज़मी जाने माने शायर और मां शौकत आज़मी जो कि रंगमंच के लिए एक जाना माना नाम था और साथ ही स्क्रीन पर भी लोग उन्हें देख चुके थे। ऐसे में परिवार में कलात्मक बातें होती थी, रचनात्मकता का सम्मान होता था और छोटी छोटी चीजों के लिए खुद को एक्सप्रेस करने के लिए जो परिवार के बच्चे थे उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया जाता था। तो यहीं से शायद शबाना आज़मी के मन में भी अभिनय का अंकुर फूटा और इन्होंने अपने अभिनय की शुरुआत की 1973 में। फिल्मी करियर इनका शुरू हुआ और इनकी पहली फिल्म थी श्याम बेनेगल की अंकुर। अंकुर एक आर्ट फिल्म थी। आर्ट फिल्म में कहा जाता है कि अभिनय बेहद मुश्किल होता है क्योंकि उसे रियलिटी के बेहद नज़दीक रखा जाता है और हर किरदार को जीवंत करने का प्रयास किया जाता है। एक तो शबाना आज़मी की ये पहली फिल्म, ऊपर से श्याम बेनेगल की फिल्म और उस पर ये एक आर्ट फिल्म, लेकिन फिर भी शबाना आज़मी ने अपनी पहली ही फिल्म में इतना सशक्त अभिनय किया कि इस फिल्म के लिए इन्होंने जीता सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार। झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं, झुकी झुकी सी नजर। Thank you.
दबा दबा ससरी दिल में प्यार है के नहीं झुके झुके सी नजर फिल्म का बेहद प्यारा गीत और सदाबहार गजल अभी आपने सुनी। इस फिल्म के लिए भी शबाना आजमी को मिला था सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार। शबाना आजमी ने अपने करियर में कुल 5 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, फिल्म अंकुर के लिए, फिल्म अर्थ के लिए, खंडहर, पार और गॉडमदर के लिए। बहुत ही चुनौतीपूर्ण भूमिकाएं शबाना आजमी ने अपने फिल्मी करियर में निभाई और जैसा कि हमने पहले भी कहा कि अलग अलग तरह की भूमिकाएं निभाने में वो उस किरदार को इतना जीवंत पर्दे पर कर देती थी कि ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई कलाकार अभिनय कर रहा है, बल्कि लगता था कि ये किरदार खुद पर्दे पर आ गया है। ऐसे में हम मकड़ी फिल्म का जिक्र जरूर करेंगे। मकड़ी में बच्चों को डराने वाली एक बैड वुमन की भूमिका उन्होंने निभाई थी, लेकिन इस फिल्म के जरिए एक जो संदेश है वो भी समाज को दिया गया, छोटे छोटे बच्चों को संदेश दिया गया। और अगर बात की जाए मासूम फिल्म की तो इसमें मातृत्व की कोमल भावनाओं को उन्होंने जीवंत किया। गॉड मदर फिल्म में प्रभावशाली महिला डॉन की भूमिका भी उन्होंने निभाई, लोगों को हैरत में डाल दिया। और इसी तरह से बढ़ती उम्र के बाद भी फिल्मों में कुछ बोल्ड सीन देकर भी उन्होंने दर्शकों को हैरान किया। अजी ठहरो जरा देखो कुछ सोचो जरा समझो, अजी ठहरो जरा देखो कुछ सोचो जरा समझो। हम तो मर जाएंगे लेके तेरा नाम, टूट गया जब दिल तू जीने से क्या काम। हम तो चले जो कहा सुना हो माफ कर देना। जाते हो जाने जाना आखिरी सलाम लेते जाना, हमको वहाँ ना बुलाना आखिरी सलाम लेते जाना। जाते हो जाने जाना जी। सुनिए जरा सुनिए ऐसे नादान मत बनिए।
गाड़ी के नीचे वो आने वाली है दो घंटे के पीछे ऐसा है तो हाथ लगा कर हमको उठाना ओ लेटे रहिए मौसम है सुहाना आखिरी सलाम लेते जाना जाते हो जाने जाना अजी दो पल रुक जाना ये हंसेगा ये जमाना हमने तो कर ली है चलने की तैयारी डब्बे में पानी था तेल नहीं था प्यारी माचिस में भी आग नहीं है कैसा जमाना ओ लाइटर से चलाना आखिरी सलाम लेते जाना जाते हो जाने जाना आखिरी सलाम लेते जाना जाते हो जाने जाना ऐसा है तो फिर जाने जाना प्यार का सलाम लेते जाना हमको भी यार ना बुलाना प्यार का सलाम लेते जाना ऐसा है तो फिर जाने जाना Think IIT, think Vidya Mandir. Think IIT, think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, think Vidya Mandir.
आकाशवाणी का एफएम गोल्ड चैनल कार्यक्रम कलाकार बेमिसाल और आज इस कार्यक्रम में बात अभिनेत्री शबाना आजमी की, जो कि एक सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। शबाना आजमी समय समय पर अलग अलग मुद्दों पर खुलकर अपनी राय रखती हैं। कई बार ये राय जो है वो दर्शकों की पसंद से इतर भी होती है, समाज के कुछ जो अलग अलग धड़े हैं उनसे इतर भी होती है, इसलिए उनकी नाराजगी भी झेलती हैं, लेकिन जो उन्हें सही लगता है अपनी बात को वो बेहद खुलकर कहती हैं। कदर भी ना इतरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आचर न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आचर न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए। कोई मन चला कर पकड़ ले लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, लगा दे अगर बढ़ के जुल्फों में कलियां, तो क्या अपनी जुल्फें झटक दीजिएगा हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी ना इतरा के चलिए। बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन बहुत खूबसूरत है हर बात लेकिन अगर दिल भी होता तो क्या बात होती, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, लिखी जाती फिर दास्ताने मोहब्बत, एक अफसाने जैसी मुलाकात होती हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए हुजूर, इस कदर भी न इतरा के चलिए। Think IIT, Think Vidya Mandir. Think IIT, Think Vidya Mandir. Register today for Vidya Mandir Intellect Quest on 14th and 15th October. Think IIT, Think Vidya Mandir. Think
गाने से पहले हम बात कर रहे थे कि शबाना आजमी बहुत सारे मुद्दों पर मुखर हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, लोगों की मदद भी खूब करती हैं और उनके इस प्रयास को सराहा भी जाता है। मुंबई की झुग्गी बस्ती में जो लोग रहते हैं उनके कल्याण के लिए, उनकी भलाई के लिए शबाना आजमी ने बहुत काम किया, दूसरे लोगों को प्रेरित भी किया, उनके साथ से इन लोगों के जीवन में कुछ बदलाव भी लेकर आई और इसीलिए इन्हें गांधी इंटरनेशनल अवार्ड फॉर पीस प्रदान किया गया। इसके अलावा भी शबाना आजमी को देश में ही और बाहर भी यानी विदेशों में भी कई पुरस्कार नवाजे गए हैं। और अगर फिल्मों की बात की जाए तो आज भी शबाना आजमी फिल्मों में बेहद सक्रिय हैं। चौक एंड डस्टर में तो उन्होंने गीत भी गाया, अपनी आवाज दिए गाने को, और साथ ही फिल्मों के अलग अलग किरदार को लगातार जीवंत करती जा रही हैं। गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मुस्कुराता हुआ गुल खिलाता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार, आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, आँखें मलता हुआ तन चुराता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार मेरा यार। कलाकार बेमिसाल में आज इतना ही। आज शबाना आजमी के जन्मदिवस पर हमने बात की उनकी फिल्मों की, उनके अभिनय की। अब नीलम अलकानिया को दीजिए अनुमति, ये कार्यक्रम का अंतिम गीत। इसके बाद आप सुनेंगे समाचार। चूम में भीगे से बालों को, बोलो ना नाना ना, करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, नाना करता हुआ जग से डरता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार है जानो ना, इतना सा कहना है मानो ना मानो ना, हाँ हाँ हा, करता हुआ पर संवरता हुआ मेरा यार, हाँ हा, करता हुआ पर संवरता हुआ मेरा यार, मेरा यार मेरा यार मेरा यार।
झटके से बाहों में आ जाना मेरी जा अब तो ना शर्माना शर्माना जाजा जाजा कहता हुआ दर्द सहता हुआ मेरा यार जाजा कहता हुआ दर्द सहता हुआ मेरा यार गुल खिलाता हुआ मेरा यार